अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू कॉफी विद अली। आज जो मेरी आवाज में घन गरज है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ये रन पंजाबी वाली होती तो रना कांप रही होनी है, लेकिन दिस शो इज ऑल अबाउट मूवर्स एंड शेकर्स। इफ यू आर अ मूवर एंड शेकर, यू मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। बट दिस मैन जिसको हुम आई कॉल माई ब्रदर, कुछ लोग होते हैं जो किंग मेकर होते हैं, जिनको किंग बनने का ये शौक नहीं होता, यह ख्वाहिश नहीं होती। हालांकि हर इंसान के अंदर एक औरत और एक किंग छुपा हुआ होता है। कुछ सोलोमन्स होते हैं जिनको किंग मिल जाता है, कुछ है बाकी चीज़ों की तलाश में रहते हैं। इसका आज तक पता नहीं चला ये किस तलाश पे, लेकिन इसकी तलाश सच्ची है। वो हमारा दोस्त टीबू कहता है, हक सच दे नारे वजन के। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि मेरा जो भाई है ये बड़ा एक्टर है, बड़ा म्यूजिशियन है, बड़ा कंपोज़र है, एक बड़ा इंसान है, बड़ा मुलाई इंसान है। वो ये एक मोहब्बत भरा एक बाल्टी है जो अनकंडीशनली जिसके अंदर से प्यार गिरता चला जाता है। और कहते हैं कि जब बाल्टी में पानी भरता है, सबसे पहले जो पानी गिरता है वो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जाता है। इससे तो छींटे उड़ते हैं जो बारिशों की शक्ल में जाके कहीं कहीं गिरते हैं। मुझे इसकी एक लाइन आती है, ये कहता है मुँह में पान डाल और बोल थुप्पो। मैं आज तक वो नहीं बोल सका, मगर नदीम जाफरी मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। I can keep on talking and talking and talking. I love you. क्या हाल है मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना एक दफा जिंदगी में गलती की थी, खालिद अनम साहब के साथ लाल मोजे पहने थे, आप तो पूरे जूते अजीम इंसान है खालिद भाई, आपको इस शो की कॉफी खास तौर की। नदीम, सबसे पहला तारीखी सवाल जो जिंदगी में जब जब मौका मिला, मैं आपके साथ बैठा, आपका इंटरव्यू किया, इतनी लंबी जर्नी है माशाल्लाह, एंड वी आर ऑल वी आर पार्ट ऑफ द जर्नी टुगेदर, बट यू आर इन दिस जर्नी अर्लियर, मच अर्लियर देन मी, बिकॉज आप फखरे आलम, तनसीर डार, आप लोगों, आप यू गाइस, हाउ डिड नदीम जाफरी कम इनटू म्यूजिक बाय द वे? बड़े मुख्तलिफ किस्म की जो आपके अंदर टैलेंट्स होते हैं या जिनको आप नहीं जानते, उनमें से एक था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। और नहीं, आप मरसिए पढ़ा करते थे? नहीं नहीं, मैं शुरू में तो कीबोर्ड बजाना शुरू हुआ। ओके, देखिए मैं नहीं, वैसे कीबोर्ड तो दूसरी चीज थी जो आपने बजाना शुरू की ना। उससे पहले तो आप लोगों को साथ चल रहे, मैं अजीब डर रहा हूँ कि किस पे शिफ्ट करूँगा। आप नहीं शिफ्ट करेंगे, वो मेरा गाना। आप हाईवे पे जाते हैं ना तो पांच गेट होते हैं, इफ यू गेट कंफ्यूज के कौन से गुजरना है। आप मुल्तान कभी गए? यू माइट गेट क्रैश। मुल्तान गए कभी? जी गेट से याद है, मुल्तान एक अमेरिका का एक गेट था, जो कौन सा गेट स्कैंडल हुआ था, भाटी गेट, भाटी नहीं अमेरिका वो भट्टी गेट था, वो फ्रांस में होता डिजाइनर भट्टी। एक मेमो गेट हुआ मुल्तान में, हरम गेट है, जैसे लाहौर में कुछ मंडियां मशहूर है ना। अमेरिका की बात करते हैं, वहां बिल गेट भी है। नहीं, वो तो मोनिका लेविंस्की वाला है। बिल बाबा, अच्छा तो फिर आप कीबोर्ड बजाते थे, मैं वापस ले आऊं बस वो किसी बहुत शफकत वाले बुजुर्ग की दुआ थी कि माँ बाप में से कोई या बड़े बहन भाइयों में से वो मुझे कीबोर्ड ला के दे दिया। टॉय मिला कीबोर्ड का, जिसमें मैंने, मुझे लगा कि मेरा इससे बड़ा कोई अच्छा ताल्लुक हो सकता है। वो ताल्लुक ऐसा जुड़ा है अली कि उस छोटे से कीबोर्ड ने, जिससे मैंने सुर निकालने शुरू किए 4 या 3 साल की उम्र में, उस वक्त कुछ भी बजाता हूँ जो नहीं पता, मगर उसने मुझे आज जो भी इल्म मेरे पास है, जो अमल की मैं अच्छी चीज़ें हैं जो कि लोगों, अपने और इर्द गिर्द के लोगों के काम आती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट दैट वॉज एक्चुअली अप्लाइड ऑन दैट लिटल कीबोर्ड। जो म्यूजिशियन है, ये जो टैलेंट है नदीम, अगर आपको कीबोर्ड ना मिलता और आपको अगर गुब्बारे लेके देते दे बचपन में, तो आज आपके गुब्बारों की दुकान होती है, हम सबके भले होते। नहीं, हो सकता है मैं उससे सीख लेता है ये। नहीं, उससे तो एक आवाज आ रही होती ना, उसके लिए गुब्बारे की जरूरत नहीं है, उसके लिए दोस्त ही आपके ऐसे नहीं। क्या ये मौसीकी इंसान के अंदर होती है? क्योंकि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है नदीम, कि इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू आर अ परफॉर्मिंग आर्ट्स गाय, यू आर और यू आर नॉट। So do you think it was inside? Ali, मैंने जब जिंदगी को इतना ज़बरदस्त पाया, जब समझ में आया 16-17-18 साल की उम्र में कि यार ये क्या कमाल चीज़ खालिक ने क्रिएट की, माशाल्लाह, लाइफ जो कि एक जर्रे की भी है, पानी की बूंद की भी है, पानी भी जीरो है बाय द वे, ये ज़रूर रखता है, और वो इंसान के अंदर एक मौजूद रूह है, उसकी भी है लाइफ, और फिर इस कॉम्बिनेशन की जो रूह और मादे से बनता है इंसान, इसकी लाइफ की तो खूबसूरतियां ही अलग है, इसमें पावर है, इसमें पहली कब मिली आपको वो जो पहली खूबसूरती से कब आपको टकरा अंदर मिली? अकल। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, अकल वो वाहिद चीज है जिसकी मुमासलत
नॉट ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ी सी ऐसी बात है जो 5000 के नोट पे देते हैं, अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो 10,000 का भी आने वाला है, तो आप अल्लाह करे डॉलर कम हो जाए तो नहीं आएगा इंशाल्लाह। एजाज असलम तो चाहता है खैर। तो अक्ल जो है वो वाहिद ऐसी एक चीज है आपके अंदर जिसकी मुमासलत कैफियत जो है वो आप जोड़ें तो वो इस खालिक कायनात के खालिक से मिलती है, लावजूद है, सबसे ताकतवर है। देखिये ये आप हर टेलीविजन शो पे बताते हैं, जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो बताएं, पहली कब मिली थी? सच बता दूं? हाँ, ऑफ कोर्स अली सलमान के शो पे, सच पहली वाली तो पहले वाली नहीं, पहली। हाँ। आपने बोला पहली, अच्छा ठीक है, पहली मिली थी 4 साल की उम्र में घर के बाहर, ठीक है, वो भी खेल रही थी, मैं भी खेल रहा था, ठीक है, मगर खेल कुछ और था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली दफा खेले कब थे आप? पहली मरतबा खेला मैं तकरीबन 19 साल की 23 साल की। हाँ, उम्र का तकाजा बड़ा, और आपके आप मतलब हमारे किस्से में तो उम्र का तकाजा वैसे ही बहुत मलूज़े खातिर रखा उम्र का तकाजा मैं करता नहीं वैसे, वो इसलिए मैं डिस्प्यूट में चली जाती है बात, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने फ़ौरन फेथ के ऊपर जाने से ग्रेस किया। अच्छा, फिर आपको जब आपकी ये जर्नी एवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है और आप वो पहले वाले जब ट्वाइस से, तो कन्वर्जन टू अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन का कब हुआ, एहसास कब हुआ? आपने दोस्तों के लिए म्यूजिक बजाना बनाना शुरू किया, क्या हुआ, ये खुद पहला गाना बनाया? असल में ये म्यूजिक और बैंड्स का सिलसिला शुरू हो गया, लिसनिंग जो थी बड़ी स्ट्रांग थी, तो अच्छे बैंड्स, आप कहते ना अच्छी सोबत मिलेगी तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत मुख्तलिफ शक्लों में लोगों के साथ होती है, मेरे साथ ये हुई कि मुझे लोग म्यूजिक सुनाने वाले बड़े अच्छे, वाह कौन मिले, बड़े बहन भाई जो कारपेंटर सुनते थे, बेसिटी रोलर्स, इस तरह के बैंड सुनते थे, तो उस वक्त से ही बड़ी अच्छी। फिर मुझे एक बात याद है, ये बड़ी मजे की बात है, तफरी से हटकर आए, थोड़ी सीरियस बात है, कि जिस दौर में यहाँ फिल्में देखने के वसाइल नहीं थे सिनेमास के अलावा, तो VCR नया नया आया था, बिल्कुल सही, जिसमें आपकी टेपें फंस जाती थी, वो बाद में फंसती थी, शुरू में तो जबकि बात कर रहा हूँ उसमें कुछ नहीं फंसता था, तो वो 3 टेप्स लगती थी, और घर में किराए पे VCR लाया गया, उस जमाने में ऐसे ही मिलता था, और फिर जब वो अवेलेबल हुआ तो फिर बाद में खरीदा भी गया, और कलर TV आया था, तो पूरी एक महफिल सजी। मुझे ये याद है, मैं 3 या 4 साल का था कि मुझे एक कुर्सी पर बैठा दी गया और बच्चों के साथ, और मेरे आगे वो कोई नूडल्स टाइप चीज़ थी वो रख दी गई, खाने वाने का वक्त हुआ गालिबन, वो मेरे बिब लगा दिया गया, और मैं 4 साल का नदीम जाफरी फिल्म देख रहा है, और Sweet. फिल्म कौन सी है? फिल्म है संजीव कुमार की और शर्मिला टैगोर की मौसम, ये 4 साल की उम्र में मैंने देखी। अच्छा, द मूवी स्टार्ट विद अ सॉन्ग, और ऊटी की वादियों में एक वो मर्सिडीज पुरानी 1110 जो है वो चल रही है, और वो संजीव कुमार उसके अंदर आ रहा है, उसमें जो मूवी का गाना है दिल ढूंढता है फिर वही गुनगुना सकते हैं, मैं बिल्कुल गुनगुना दूंगा वो गाना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं जानता हूँ उस गाने को, और ये गाना मैंने सुना 4-5 साल की उम्र में, और उसके बाद मैंने उस गाने, दैट्स द सॉन्ग ऑफ माई लाइफ। आज भी मुझसे कोई पूछे आपका फेवरेट गाना कौन सा है तो मैं कहूँगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सैफ अली खान आपके रूहानी भाई हैं, क्यों? शर्मिला टैगोर का जो गाना जब आप, उस वक्त तो उनकी खिलकत नहीं होगी ना, नहीं या होगी, हाँ होगी तो, हाँ रूहें तो आपको पता आलम है रवा में तैयार बैठी होती है, मटेरियल में भी आ गए थे यार। तो आपको अच्छा नहीं, तो वो पहले गाना गुनगुनाए ना, फिर जर्नी पे आगे जाएंगे, है थोड़ा सा कोई नहीं, आराम से। हमारा आपकी मिजाज जो उस वक्त बना है ना, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है वो। नहीं सर, हमारा मिजाज सर माहौल और मिजाज जो है ना, उम्र का तकाजा नहीं देखता उम्र की बात करेंगे तो हम दोनों कॉन्शियस हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, कि हम लोग जो है क्या उम्र के हैं, हम उस्मान से तो छोटे हैं जो हमारा डायरेक्टर बैठा हुआ है ये तो। हाँ हाँ ठीक है, मेरे मुंह में चुभ रहा था तो मैंने रोक लिया क्योंकि मुझे गाना गाना है। अच्छा, आपके मुंह में अक्सर जब आता है कुछ तो आप रोक लेते हैं। ये मुझे नबील साहब शो पे आए थे बता के, बाय द वे हमारा शो मुईन अख्तर साहब को डेडिकेशन है, बिकॉज मुझे आपका भी उनसे प्यार पता है, अपना भी उनसे प्यार, मेरा मुईन भाई से एक और भी बड़ा गहरा रिश्ता है, इसको गुनगुनाया फिर गहरा आई। मेरी दूसरी शादी हुई, यानी कि अब जिन बेगम के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, उनके जो वालिद हैं फारूक अहमद कुरैशी साहब, उनके बेस्ट फ्रेंड थे मुईन अख्तर। अरे वाह, तो वो जब मेरी शादी पे और उससे पहले जब भी मिले, सुसर जैसा प्यार करते थे। तो उन्होंने समझाया नहीं फारूक साहब को? बहुत बताया उन्होंने, फारूक साहब को धुन सवार थे वो, जब इंसान ने कुछ करना होता उन्हें भी शर्मिला टैगोर पसंद होगी। हाँ, चले आगे चलते हैं। ओके, दिल ढूंढता, नहीं नहीं द स्लो वर्जन, स्लो वर्जन, दिल ढूंढता है फिर वही
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही। ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता है, इट इज वंडरफुली कंपोज्ड, और जो इसका समा है, जो इसकी अरेंजमेंट रिकॉर्ड, हम इस उम्र में वो मोहब्बत कर सकते हैं जो हमसे रूठ के चली जाए और ये गाना सुन के उसको इस तरह एंजॉय कर सकें, फिर उम्र आ गई भी किसी भी उम्र में कर सकता है यार, सीरियसली किसी भी उम्र, यानी सठियाना जो है वो हम पे जायज है, सठियाना नहीं तो ठीक होना है, अरे वाह वाह, अदर देन दिस सठिया भी होते हैं, देखिए फोकस हो जाता है, ये आंसर जो है आपके अंदर मौजूद है। 80 साल के बुजुर्ग को भी इश्क हो सकता है, होता है, यहाँ लोगों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन 80 साल की उम्र में एक एक महीने का बच्चा जिनकी गोद में, नहीं मेरा नहीं, वो देखा आपको, वो नहीं किसी का भी वो आदमी, हाँ भाई ये शुक्र आपने क्लियर कर दिया, वरना बताना पड़ता बंदूक की हर दफा जो है ना, तो वो मेरा डायरेक्टर कहता मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आपने मोइन भाई की बात की तो मैंने मोइन भाई का जिक्र इसलिए जरूरी समझा। अच्छा दीदी फिर अब ये आपने जो 4 साल की उम्र, फिर बेबुतरा कब था आपका, वापस आ जाते हैं यू प्लेइंग विद द बैंड्स, हाँ मैं उस खाने को जिसका मैंने जिक्र किया वो मुझे इस तरह याद है कि वो मौसीकी जो चल रही थी उस टीवी पे, ट्रेन ट्रॉन टाइप कोई नाम था उसका, जो कलर टीवी नए नए आए थे, और वो गाना और वो नूडल्स की टेस्ट, वो मुझे इस तरह याद अभी भी याद है, इस तरह याद है, वो टेस्ट तो नहीं याद मगर मुझे ये याद है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिंदगी में जो आपको टाइम ट्रेवल करवा देती हैं। वाह वाह, म्यूजिक, एक मौसीकी, खाना, नहीं नहीं खाना नहीं बता रहा हूँ अभी, एक मौसीकी, एक खुशबू, यस, और एक मौसम, मौसम एज़ वेल, 3 चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में कि आप जब भी जिंदगी में आपको बारिश होगी तो कोई ऐसी बारिश आपको जरूर याद आएगी, बिल्कुल से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। वाह 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 वाह, आज भी रेडियो पे कैसेट पे, मैं पहली दफा इजाज को मैंने देखा वो जुड़े हुए थे तो वो बारिश से मुझे फौरन आ जाता है, और आप जो टेस्ट की बात करें, मुझे टेस्ट इजाज असलम ने बताया कि टेस्ट कितना जरूरी होता है, तो मैंने नूडल्स बकायदा उन्हीं से सीखी खानी, इजाज ने जो जो हमें बताया वो मैं तो कम से कम यहाँ नहीं बता सकता, इजाज अहले जबान है आप इसकी और आप कर रहे हैं और आपने नहीं, और उनका उनकी डॉलर पे और प्राइस की पैरिटी पे बड़ा अच्छा। फिर एक नदीम जाफरी को मैं जानता हूँ जो फखरे आलम नदीम, ये दोस्तियाँ कहाँ हुई नदीम, फिर मौसीकी यहाँ से शौक से प्रोफेशन में कब कन्वर्ट हुई, वो तो फखर से मिला, चलिए बताते हैं कि मेरी मुलाकात हुई 1992 में, ओके मैं म्यूजिशियन वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन कर रहे थे आप दोनों, हम अपना वर्ल्ड कप बना ढूंढ रहे थे, थर्ड वर्ल्ड कप ढूंढ रहे थे, तो फखर तो कुपी, अच्छा कपी था कि अच्छा, तो मैं म्यूजिशियन बन चुका था, गजनफर साहब द ग्रेट बाबा जी, और गजनफर साहब एंड नदीम ने नाम कर लिया, तो बाबा जी वो इंसान है जिन्हें बंद आंखों के साथ पता होता था कि इसमें क्या टैलेंट है, खुदा की कसम, अल्लाह उनको उनको उनकी और एक बात और आपके प्रोग्राम के जरिए नजर करूं लोगों को, ये हक है अदा करते रहे चाहिए, एब्सोल्युटली इस इंडस्ट्री का एक इंसान उनका एहसान मंद है और उसे होना, जो नहीं है उसे होना चाहिए। सर फवाद खान, मायरा बट, नदीम जाफरी, फखरे आलम, मैं, शाइस्ता साहे, मतलब वो अब लिस्ट ही नहीं खत्म हो सकती यार, मतलब 70% नाम जो है वो उन्हीं के हाथ से निकले, 30% हरामदे मानते नहीं है ये बताना बहुत जरूरी है, हलाल दे हरामदे का फर्क बताना, और आपके हमारे जो डायरेक्टर है उस्मान, जिनका हर दफे नाम बदलेगा, हर जुमले में नाम बदलेगा उनका, तो वो जो है वो हम वहां वहीं मिले थे, ये डायरेक्टर साहब जो आप वहां मिले, मैं भी मिला, मेरे साथ आ गए, आपके साथ आ गए। अच्छा ये बताए ना फिर आप गजनफर साहब के पास, फिर हाँ तो वहां पहुंचे, द क्वेश्चन वॉज conversion of this evolution of music to professionalism. Actually, जब देखा कि passion इतना जोर से है, घर वालों की बहुत सारी क्या कहते हैं उसे against होने के बावजूद, एक दिन वाले साहब ने कहा भाई तुम क्या, ये तुम्हारा मूड है, क्या करोगे तुम, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये मैं क्या सर पढ़ रहा हूँ मैं, क्या लगे ठीक है ये grades तुम्हारे अच्छे आते रहेंगे तो I'll let you continue this. समझदार माँ बाप जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त नहमत माशाल्लाह, तो उन ग्रेड्स के
इससे ग्रेड भी बढ़ते रहे और वो म्यूजिक और वो म्यूजिक भी चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया, डैडी ने बोला अच्छा तुम ये क्या करना चाहते हो स्टूडियो, तो डैडी ने कुछ पैसे दिए, कहने लगे जाओ लगाओ स्टूडियो क्या होता है मुझे दिखाओ। तो वो सब कुछ अगले दिन आप सुबह नेपियर रोड पे थे और क्योंकि वहाँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसका तो मवाद हमारे पास बहुत दोस्तों की शक्ल में मौजूद था। अच्छा था, नेपियर रोड पे नहीं, क्या जरूरत नहीं, वो दुकानें थी ना वहाँ म्यूजिक की, जैसे लाहौर में नहीं 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 नेपियर रोड पे नहीं थी, कहाँ पे थी? हमारे ये दो दुकानें थी, ये सारी ज्यादातर डिफेंस में थी, इधर ये सोलाना साहब का शोरूम। मेरा डायरेक्टर तो मुझे वही ले जाता था, कहता था गाड़ी में बैठ, में कोई ड्रम, वो मल्टीपर्पज कामों के। अच्छा अच्छा, तो फिर तो हुआ ये कि डैडी ने पैसे दिया म्यूजिक, फिर वो हमने कीबोर्ड शीबोर्ड खरीदा और ये सब कुछ, फिर वो गाना गाने बनने। असल में इट स्टार्टेड ऑफ विद बैंड्स, जो अंडरग्राउंड बैंड्स। पहले आप लोगों के लिए म्यूजिक प्ले करते थे ना? मैं बैंड्स, मैंने बैंड बनाता था मैं, मेरा जितने आपको बड़े म्यूजिशियंस हैं, बड़े हाँ, नाम बताइए, बड़ी इंडस्ट्री के शुरू के बैंड नाम बताइए, सब तकरीबन मेरे नाम बताइए। रॉजर्स, फाइनल कट, बारबेरियंस, पावर हाउस और भी कई बैंड, माशाल्लाह। तो ये सारे बैंड्स जो रॉक पॉप बैंड्स थे, इन सब का कहीं ना कहीं या तो मैं मौजूद था या हिस्सा था। बिल्कुल ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स इस वक्त इधर उधर में मौजूद हैं, म्यूजिशियंस हैं, अब इस वक्त जो राहत फतेह के साथ बजा रहे हैं या आतिफ असलम के साथ बजा रहे हैं, ये उन्हीं उसी दौर के लोग हैं, जैसे समीर, किश्वर, ये सब लोग उसी दौर के साथी हैं। तो वहाँ से फिर बैंड्स बजाते बजाते सिंगर्स जो थे, जैसे अली हैदर से दोस्ती हुई और वो मोहल्ले की दोस्ती थी, फिर वो होते होते बढ़ गई बहुत। लाहौर में नहीं कहते मोहल्ले की दोस्ती थी, अच्छा। सारे शाही लोग हैं ना वहाँ, इसलिए वो भी तकरीबन ऐसे ही था, जो आप जिसकी तरफ इशारे अली अदर से दोस्ती वही थी क्योंकि पूरी रात घूमते थे और किसी के किचन में घुस जाते थे। पुरानी जीन्स की आमद कहाँ से हुई? पुरानी जीन्स की आमद हुई, साथ थे जब आमद, मैं तकरीबन साथ ही था। और वो जॉन मॉल का लिखा हुआ है एंड वेरी, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट, one of the super hits of Pakistan. Absolutely. And Ali had this eye. कि यार ये जो शायरी है, ये जो इसको इस्तेमाल, क्योंकि वो यूथ से रिलेट करता था ना। अच्छा, अब वापस नदीम जाफरी बात है, सॉन्ग अली हैदर शो। तो नदीम का पहला गाना जो था, उसकी आमद कब हुई, कैसे हुई, या किसी और का लिखा हुआ था, नदीम को मिला, नदीम ने गुनगुनाया, कहाँ से आया? I found out in my life that, अभी सब सोचता हूँ आज इस उम्र में, इस लम्हे में, तो मुझे याद आता है कि असल में मैं राइटर था। ओह वाओ, बिकॉज आई रोट माई फर्स्ट सॉन्ग। मैं पहले म्यूजिशियन था, लेट मी करेक्ट इट, एंड देन आई वॉज अ राइटर, बिकॉज आई रोट माई फर्स्ट सॉन्ग एज इन लिरिक्स, और उसका नाम था सोचो कभी। मुझे याद है एक दिन मैं रात को घर आया देर से, मैच वैच खेल के या म्यूजिक बजा के जो भी, और मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर क्लियर कर लूँ ना, आप खेल के आए या बजा के आए? दोनों करके आए। अच्छा, मैच खेल के और म्यूजिक बजा के। मैं लिख के दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। तो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे घर के, जहाँ पर मैंने सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं जमात की पढ़ाई की, और इंटरमीडिएट भी और बीकॉम भी, बाद में भी जितना भी, जो वो एक जगह होती है पढ़ने की मुख्तस हो जाती है, यहाँ बैठ के आप पढ़ते हैं, वहाँ बैठ के मैंने अपनी पहली पोएट्री लिखी। और वो मेरा दोस्त था, आमद हुई या क्रिएट की थी? यार एक दोस्त था फैसल जमाल, बड़ा ब्रिलियंट ड्रमर पाकिस्तान का, जुनून तक बजाया उसने, फिर छोड़ दी फील्ड, उसने वो प्रिंटिंग फील्ड में चला गया, घर से रजिस्टर्स छापता है, मनी हाइस्ट जबरदस्त, माशाल्लाह। तो फैसल जमाल यूज्ड टू बी अ ड्रमर, ही वाज अ ड्रमर ऑफ पावर हाउस, जुनून एंड सारे हमारे साथ, ही इज माय, यूज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। उसकी किसी तकरार पे गाड़ी में ये पोएट्री दिमाग में आई, ही वाज अ ड्रमर, वन ऑफ द बेस्ट ड्रमर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड ही डिडंट हैव अ ड्रमर, उसको ड्रम ही नहीं था क्योंकि अम्मी और उस घर वाले अगेंस्ट थे। वाओ, तो वो मुख्तलिफ चीजों पर प्रैक्टिस करता था, ये आपने बाल्टी का जिक्र किया अभी, और वो इस तरह की चीज़ों पर प्रैक्टिस करता था कि ये बाल्टी, ज्योमेट्री बॉक्स लेके उससे साउंड प्रोड्यूस करता था, और उस प्रैक्टिस से वो इतना अच्छा ड्रमर बना कि वो जुनून में बजाया उसने, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ बजाया मेरे साथ उसने। मैं थोड़ा सा ऐड कर दे, फखरे आलम में भी ये टैलेंट है, उनके पास भी ड्रम नहीं है, वो प्रैक्टिस वो भी करते हैं, इस पर हम नदीम से बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो वो आपके इट्स जस्ट नॉट अ ड्रम, इज फुल ऑफ परकशंस, इज लोडेड, उनके पास इम्प्रोवाइजेशन के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आप कभी ऐसे पहुंचे उनके घर तो कोई ना कोई आपको बचता हुआ मिलेगा, वो बजा रहे होंगे, मिक्सर भी रखा हुआ है, कीबोर्ड भी है, गिटार भी है, वो सबका शौक रखते हैं। नहीं, ये इनको ऑयलिंग की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं देखता हूँ ऑयल्स की भी बड़ी कलेक्शन वो रखते हैं। अक्सर डांगरी पहने में मैंने देखा है कई लोगों को तेल वेल की बोतल लिए खड़े रहते हैं, और वो जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है उसमें डाल देते हैं। ओके ठीक, बट दैट जस्ट वांटेड टू बी। अच्छा, फिर आपकी लड़ाई होती है फैसल से, आप घर आते हो, उस टेबल पे बैठे? लड़ाई नहीं हुई मेरी, मतलब तकरार हुई। उससे मेरी कोई बात हो रही थी, वो भी मजहबी बातें करता था, मैं भी उस जमाने में नहीं करता था, मगर सोचने और अच्छा सोचने का शौक था। तो फैसल से जो भी मेरी बात हुई उसका आउटपुट था वो, आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू फैसल, समहाउ
पता नहीं उसको पता भी होगा कि मैं उसके बारे में बात हो रही है नहीं, वो देखता नहीं है, ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। हम इंश्योर करेंगे कि व्हाट्सएप की गंदी वीडियोस के अलावा उसको ये भी। तो मैंने आके गाना लिखा, जिए किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का, पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी ईजाद से, क्या जी रहे हो तुम बेमानी जिंदगी, सोचो कभी सोचो कभी। Yeah, what was the age? This is 16. क्या जी रहे हो तुम बेमानी जिंदगी, this is सोचो serious कभी, thought? सोचो कभी। हाँ। मुझे समझ नहीं आया, मैं एक चीज है मेरी बहुत लाइटर नोट का प्रोग्राम है, मस्ती वाला, मगर अच्छी बातें हर जगह कर देनी चाहिए। मैं एक दुआ अल्लाह से मांगता था जहां मेरे वाले साहब नमाज पढ़ते थे उसके बिल्कुल बराबर एक लाइब्रेरी जैसा सेक्शन था, शेल्फ था, मुझे वो बड़ा मोहतबर लगता था। समहाउ उस जहन में होता ना कि डैडी मम्मी यहाँ नमाज पढ़ते हैं, तो दिस प्लेस इज, वहाँ मजहबी किताबें भी लिखी हुई थी, इंसाइक्लोपीडियाज भी रखी हुई थी, इल्म था वहाँ। तो मुझे दो चीज़ें नजर आई कि यहाँ इल्म है और अल्लाह है, यहाँ बच्चा था तो वो यही कॉन्सेप्ट था। मैं वहाँ खड़े होकर अल्लाह से एक दुआ मांगता था, 6 साल की उम्र से मुझे याद है कि जिस घर में मैं आज भी रहता हूँ, इसमें मैं 6 साल का शिफ्ट हुआ था बैक इन 70s, तो मैं ये दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म से रास्ता कर, जो मैं नहीं जानता उससे मुझे रास्ता कर। और वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म मिला है और वो उसकी इतनी लंबी जर्नी है, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज इन दिस जर्नी यू हैव इंट्रोड्यूस्ड टू अस आल्सो सो मेनी आलम्स एंड अमेजिंग पीपल। लेकिन मैं वापस वहाँ इसलिए लेके जा रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू सिंग दैट फॉर अस। इसकी तो पहली रिलीज थी, यानी कि ये चार्ट्स में न्यू एंट्री में गया। हाँ, और वो प्रोग्राम चलता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स, बाद में उसको मैं, फखर और नदीम काजमी और आप, हम सब लोग भी मिलकर करते रहे। और इस बहुत, इन पिछले 100 सालों के जो नाम लिए जाएंगे बड़े बड़े इवेंट्स का, उसमें से एक है, ऐसी है एक रेवोल्यूशन जिसने पुराने आर्टिस्टों को भी अकोमोडेट किया। और इसके बाद और मैं ये भी बताऊंगा कि इस मुल्क में साजिश करके पॉप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल ऐसे ही एक चैनल बनाया गया। तो हाँ, ये पूरा प्रोग्राम है इसके ऊपर। तो वो प्रोग्राम, वो गाना जो था वो 5वें प्रोग्राम पे नंबर 1 पे चला गया, नंबर 1 माशाल्लाह। और इट हैड नो गर्ल इन इट, नो एंटरटेनमेंट मटेरियल। यू नो व्हाई आई लव योर म्यूजिक सो मच? तो उसमें गजलफर साहब ने मुझसे कहा, कहने लगे तुम डेब्यू बना रहे हो अपना पहला गाना, मोटू बुलाते थे मुझे, मोटू ये तुम बना रहे हो तो इसमें कोई अच्छी सी सुशी डालो, सुशी मींस अ गर्ल। ये सो मोटू एक्शन जो है इसी वजह से शुरू हुआ, गजलफर साहब और नदीम जाफर, देयर इज अ कार्ड इंटीग्रेशन, उसका नाम भी मोटू है जो हम म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं। और उसके आप लोगों से इंस्पायर होकर मी टू भी आया था बाद में, लेकिन वी डोंट वांट टू गो देयर। हां, तो सुशी डाली फिर आपने? मैंने बिल्कुल डाली। गजेंद्र साहब के कमरे से लाए थे सुशी या अपनी सुशी लाए थे? सुशी सुशी सुशी। क्या लगे पुट अ गर्ल इन इट, तुम्हारा ये गाना आ रहा है तो उसमें तुम कोई खातून मॉडल डालो, ट्रेंड है, होता है। मैंने कहा सर इसका टॉपिक नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो कहने लगा क्या वीडियो बना रहे हो? तो मैंने रात को वीडियो का कॉन्सेप्ट भी खुद ही लिखा। वाह। और मुझे याद है यासिर अख्तर हमारे बड़े मशहूर, उन वो और उनके साथ असाद होते थे। बड़ा लॉस, यासिर हैज मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट म्यूजिशियन, वो मगर इतना स्ट्रांग प्रेजेंस है उसकी कि वो अभी भी आता जाता रहता है। उसने बड़ा काम किया है सर, गुनगुना दे हो मैं नहीं, वो बात बतानी जरूरी है, लोग बुला लेने। हाँ, तो वो जब नंबर 1 पे गया है तो मेरे पास उस जमाने में मेल सेल्स का ज्यादा सीन नहीं था। गजल साहब ने मुझे बुलाया, अल्लाह लंबी है आदि गजनफर साहब का, कहने लगा यार ये गाना तो फिट हो गया तुम्हारा गाना। मैंने कहा जी। कहने लगे ये कोई लेटर्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं, मेल्स खत आते थे, उसमें कोई साहब थे मैं नाम भूल गया हूँ, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, मे बी 7 or 10 कंपनीज, कार्ड अटैच एंड यू नो द नेम्स, द हेड नेम्स। शहजाद नवाज तो नहीं था? नहीं, शहजाद नहीं था, वो कोई बिग ग्रुप ऑफ कंपनीज, और सोहेल साहब नाम मुझे याद है, काश सुन रहे हो तो कभी दोबारा रब्ता कर लें। उसने लिखा पता कि हर सिस्टर और वाइफ और समबडी रिलेटेड टू हर गोट आउट ऑफ सम बैड सीन, डिप्रेशन और व्हाटएवर आफ्टर दिस सॉन्ग, इस गाने को सुनने के बाद। wow. उनकी जिंदगी में उम्मीद आई। तो मैंने वो लेटर घर ले आया था, गजनफर साहब ने कहा वो बच्चे थे हम लोग उस वक्त, अपने अब्बा को दिखाना तुमने कितना अच्छा गाया। माशाल्लाह। तो wow. वो मैं घर लाया तो डैडी ने वो लेटर पढ़ा तो आई रिमेंबर द ग्लेयर्स इन हिज आईज। कहने लगा यार ये तो तुम अच्छा लिख, तुम्हारा लिखा हुआ है। मैंने कहा, कहने लगी वीडियो? मैंने कहा वो भी मेरी बनाई हुई है। कहने लगा यार तुम काम करो, वहां से डैडी को भी हिम्मत आई कि मैं ये काम कर सकता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, इस गाने की फिर इस तरह की बहुत सारी तारीफें हैं। अभी हाल ही में हमारे बड़े अच्छे व्लॉगर हैं जुनेद अकरम, उन्होंने ही मेट मी समवेयर और उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात बोली है, वो आप लोग भी चाहे तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ही सेड 3 songs दैट चेंज्ड हिज लाइफ, 3 songs दैट, अब वो जाके यूट्यूब पे लिखे 3 songs दैट चेंज्ड माई लाइफ, ये लिखेंगे जुनेद अकरम का वो व्लॉग, तो उसमें मेरा गाना भी आ जाएगा। मेरे गाने के बारे में बड़ी लंबी बात हुई भी है।
तो बहरहाल ये बताना था मुझे, और भी बहुत सी बातें हैं, मगर अगर अब मैंने तीसरी बात बताई तो आप मुझे कहेंगे कि आप शुक्रिया आपका और इंटरव्यू में आपके गाने से आप उम्मीद से देखें हम सब हैं आप सुना जाएगा और सोचो कभी जिए किसके लिए सोचा कभी मकसद है क्या इस हयात का वो पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी जात से क्या जी रहे हो तुम बेमानी जिंदगी सोचो कभी सोचो कभी थैंक यू नदीम साहब। बात ये असल में देखें बच्चा शीर ख्वार हो या बहुत ख्वार दोनों सूरतों में वो मुंह जो है ना एक ही जगह मारता है कि उसको गोद चाहिए होती है जहाँ जाके अपना गम जो है वो बेचारा भुला सके। ऐसा हमारा रैपिड फायर राउंड है, इस रैपिड फायर में आपसे कुछ सवाल करेंगे कि बीवी चाहे कितने काजू बादाम खा ले मगर पिस्ता आखिर में शोहर ही है, क्यों? चॉइस है अपनी अपनी। अच्छा ठीक है, आप क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं मतलब आप पिसना चाह रहे हैं पिसना चाह रहे हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। शादी के बाद कुछ दिन हर शोहर बीवी को बेपनाह चाहता है, इसके बाद फिर सारी जिंदगी सिर्फ पनाह चाहता है। यार ये सवाल किसी बहुत ही दुनिया और बीवी के रिगड़े हुए आदमी ने बनाया। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था शायद कहता है रामदा 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 बस समझ गया। ठीक है यार मेरे हिसाब से मियां बीवी का रिश्ता ऐसा है जिसमें ये बड़ा नरम गरम तरीके से चलता है। ठीक है, और इसके अंदर आजकल जो खवातीन की रविश है उसमें इस रिश्ते की बहुत सारी जो क्या बोलते हैं नॉर्म्स है ना वो मिसिंग है। सही बात है, और जिसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब रेशोज ऑफ डिवोर्स कितना बढ़ गया है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो जो अदब लिहाज दो मियां बीवी के दरमियान होना चाहिए और फिर वो बच्चों में ट्रेवल करता है, वो माशरे की इकदार बनाता है, वो मिसिंग है इस वक्त। ये तो सीरियस जवाब हो गया ना। हाँ। आपका जवाब? मेरा जवाब ये है कि सवाल क्या था, सॉरी सवाल, मियां बीवी की लड़ाई में हमेशा एक गलत होता है और एक ही सही होती है, क्यों? देखिए मियां बीवी की लड़ाई जो है ना वो असल में लड़ाई नहीं होती है, वो एक घमसान की जंग होती है। हाँ। जिसमें किसी को पता नहीं होता किसके फौजी कहाँ खड़े हैं, कहाँ से हमला करना है, कहाँ से बचाव करना है, तो ये एक ऐसी जंग है, उसको मैं लड़ाई नहीं कहता, जंग है। और उसको जो मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल होता है तो मैं उसे हंसते हुए गुजारता हूँ, और मेरे बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं इस बात को कि जब बहुत बड़ी कोई खतरनाक डिजास्टर तो आप हंसना शुरू कर देते हैं, मैं हंसते हुए बाहर निकलता हूँ, और मैं इंतहाई कोई मैं तो कहना नहीं चाहिए मेरी बीवी भी देखेगी, मैं जब वो स्पीक गुस्से पे होती है ना तो उसका रिकॉर्ड लगाना शुरू कर देता हूँ। नहीं हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, हिम्मत नहीं है। दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान वो है जिसके पास दौलत हो। दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान वो है जिसके पास दौलत हो। दो लत तो नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, दो लत मैंने, तेरी लत लग गई नहीं है सर, ये दौलत ही है सर। नहीं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान वो है जिसके पास दौलत हो, यकीनन ये जुमला सही है। हाँ। मगर कौन कौन सी दौलत, ये सिर्फ इस दौलत की बात नहीं सर। मैंने तो देखें इसको इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन आई एम श्योर कि आप ग्लैड कि आप पहुंच गए वहाँ पे। हमारा कहने का मतलब दौलत नोट वाली थी, नोट वखा मूड बने और कोई नहीं थी, बड़े प्रैक्टिकल ठीक है, हमारे पास है नहीं लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल है। अच्छा शायर कहता है डायरेक्टर के रूप में मौजे हमेशा धो के पहने, हो सकता है किसी दिन कामयाबी कदम छूने आए, ये ना हो कि मौजे सूंघ के बेहोश हो जाए, क्या ये सच है? ये डायरेक्टर का अपना एक तजुर्बा है जो उसे पिंडी में हुआ था और फखरे आलम की शादी में हुआ था। कौन से वाली? डायरेक्टर ने फखरे आलम के एक दोस्त के बाल भी जला चुका। देखें फखर ने तो नेट प्रैक्टिस की ना दो दफा, शादी तो फिर की उन्होंने, आप कौन से नेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? नहीं फखर ने हर बार सोच के किया, अच्छी कोशिश की थी, मगर वो नेट प्रैक्टिस इसलिए बन गई कि आप जैसे और मेरे जैसे दोस्त भी है उनके। वो मेरे डायरेक्टर कहता है दी ओनली जान ही हैज इज जान पहचान। ये ना कोई बहुत बहुत नेट से ढूंढता है। हाँ ना असल में आपको बताऊं ये क्या होते हैं ना, बहुत सारे सिलसिले होते हैं, उनमें दो तीन लोग होते हैं जो वो सिलसिलों के पीछे होते हैं। हाँ। ये डायरेक्टर आपने बड़ा जो चुना है ना, ये उस तरह का आदमी है जो एक बहुत बड़े कारवां के पीछे कहीं खड़ा हुआ है और बहुत सारी सुरियां यही छोड़ता है। सर ये आदमी ने एक आदमी से इसकी पुरखाश थी,
तो इसने लाइटर का फ्लेम इतना बड़ा करके रख दिया, वो जब आके, अच्छा वो आदमी जो था फखरे आलम का और मेरा दोनों का दोस्त, नाम लेना, उसका इतना बड़ा छज्जा होता था वो ना उस जमाने में, जो ऐसे एक छज्जा नहीं, वो नहीं, एक तो पंख वाला वो अलग है, एक छज्जा होता था जो सलमान खान जैसे छज्जा, मगर आगे से थोड़ा सा हिलता था, वो पुराने जमाने का सलमान खान था, जवानी में तो छज्जा आगे से हिलता ही नहीं जाता, आखिर में तो रह ही नहीं जाता कुछ यार, ये तो उन बालों की बात हो रही है जो सर पे होते हैं। तो बहरहाल तो इस आदमी ने क्या किया, उसने कुछ इसकी लगी, तो इसने क्या किया, लाइटर का फ्लेम इतना बड़ा करके रख दिया, वो आया बड़े स्टाइल से आता था हर वक्त, वो जॉनी ब्रावो टाइप एक माहौल था, उसने आके जलाया और उसके बाद लगे, और सबसे फनी बात यह कि मैं लेटा हुआ देख रहा था, वो कह रहा है हाँ भाई क्या है, उसके बाद उसको पता नहीं चल रहा, उसको देर में पता लगा, मैंने कहा आग आग खिड़का, मैंने कहा तेरे सर पे ये डायरेक्टर इतना खतरनाक आदमी है, जब किसी के सर के बाल जला सकता है तो आप सोचेंगे क्या क्या जला सकता है, अनबिलीवेबल। एंड उसके उनकी लड़ाई हुई उसके बाद, नहीं नहीं वो दोस्ताना माहौल था, वो उसके बाद दोस्ताना माहौल उसने बदला लिया हमसे, वो ये था कि फखर साहब की शादी थी और हम सब हॉस्टल टाइप जगहों पर ठहरे हुए थे सब लोग, तो हम बाथरूम शेयर कर रहे थे, तो वो कमबख्त बाथरूम में गया तो उसको बाल बनाने में 2.5 घंटे लगे, तो मैंने उसको गालियां दी, मैंने कहा देखो तुम्हारे छज्जे जलाने ने हमारी ऐसी की तैसी करवा दी, वो बाथरूम से निकला ही नहीं, वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद निकला। नदीम एक बहुत क्रिटिकल सवाल है, पाकिस्तान पॉप इंडस्ट्री रूल्ड द वर्ल्ड, पाकिस्तान पॉप इंडस्ट्री हिंदुस्तान में जाके हमारे हर माशाल्लाह म्यूजिशियन स्टार ने वहाँ पे अपना झंडा गाड़ा और पाकिस्तानी इसको प्राउड किया। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि मौसीकी की बाउंड्रीज नहीं होती, टू सम एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन मेरा ब्रांड तो मेरा ही ब्रांड है ना। दो इस पे सवाल है, पहला तो ये हमें हिंदुस्तान की इंडोर्समेंट क्यों चाहिए अपने लोगों को वो मकाम देने के लिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में क्या साजिश करके पॉप म्यूज़िक का बड़ा गर्क किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, साजिश भी इसका कैसे साजिश, तो हमें नहीं पता कि वो साजिश कहलाएगी या क्या कहलाएगा, मगर एक बात मुझे पता है कि यहाँ ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, हर माशरे में होते होंगे, यहाँ तादाद ज़्यादा है, जो ये नहीं सोचते कि अगर 10 साल की प्लानिंग ही कम से कम कर ली जाए तो उन्हीं के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर है। एब्सोल्युटली नेशन को नहीं सोचते, सबसे तकलीफदेह बात है, आज को सोचते हैं, उस मिनट को सोचते हैं, उस पल में जीते हैं, उस पल में जो समेटना होता है वो समेटने की बात करते हैं दिहाड़ी। और अकलमंद आदमी वो है, देखिए हर आदमी की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो जिम्मेदारान हैं, जो मुफक्किर हैं, शायर हैं, की पोजीशंस पे हैं, आगे मुस्तकबिल डिज़ाइन करना जानते हैं, उनको तो ऐसा सोचना चाहिए कि अगर एक भी चीज़ गलत हो रही है तो उसको रोके कि यार ये ना करो, ये वाली करो। यहाँ पर आर्ट को और कल्चर को जिस तरह एक यतीम बच्चे की हैसियत हासिल है ना, जिसको कोई देखना ना चाह रहा, उसके बावजूद ये यतीम बच्चा पल बढ़ के ना एक स्कॉलर बन गया। इस इंडस्ट्री को मैं ये खिताब दूंगा कि हमारी इंडस्ट्री तमाम किसी बंदिशों के बावजूद, के बावजूद ना होने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री ने अपना नाम पैदा किया। खुद रोनी हमने अपने आप को तराशा है, लेट्स बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट, कि हमने बहुत वक्त अपने आप को तराशने में गुजारा है। हमारे पास स्कूल्स नहीं थे, हमने मीडियम्स को इस्तेमाल किया अपने अपनी ग्रूमिंग के लिए, अगर मैं और आप ग्रूम ना हुए होते सही बात है, तो हम जो काम कर रहे हैं आज अच्छी तरह कर पाते। no, no, फखरे आलम को देख ले, हम दोस्त हैं हमारा, बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क के जिस लेवल पे वो आदमी काम कर रहा है, इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है उसकी निगाहें उस पर है कि वो मैं अपने मुल्क में लेके आऊं, और उससे उसके अलावा भी जितनी डिजास्टर्स में उसने काम किया और हम सबने किए, ये ग्रूमिंग हमारे माँ बाप की तरबियत, हमारे अच्छे अल्लाह की तरफ से रहमत और अच्छी सोच की निशानदेही है माशाल्लाह, वरना हमें बहुत से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो रेजिस्टेंस जितनी होगी उतने जोर से शिद्दत से हम आएंगे और मकाम। नदीम थैंक यू सो वेरी मच, बिफोर वी लीव मैं आपका एक कवाली है, मैं चाहूँगा शो एंडिंग हम रिस्पेक्ट और लव तो उस पर करें, मगर उससे पहले मेरा पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जहाँ गोरे आके इस मुल्क में नौकरियाँ करेंगे। खान साहब जब हुकूमत में आए थे उन्होंने मैं ख्वाब दिखाया था, मुझे हुकूमत मिले ना मिले मैं ये सेहत को पूरा करूँगा, इसलिए मैंने आज इन सब को मछली खिला के दूध पिलाया है, अनकरीब मैं दिखाऊँगा कि गोरे हमारे शो में राइट लेफ्ट फिर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इनकी ये कवाली आप सबकी खिदमत में पेश है। मुश्किलों में अपने नबियों का सहारा तू ही था, जैसे यूनुस का समंदर में किनारा तू ही था, आतिशे नमरूद को गुल करने वाला तू ही था, दरमियाने ज़िबहे इस्माइल
तू ही था खुदा, वाह वाह, देखे सारे इम्तिहान जब रह गए तन्हा हुसैन, ऐसे आलम में शहीदी का सहारा तू ही था, मुस्तफा सल्लल्लाह के वास्ते दे दे और अली और फातिमा हसनैन के सदके, आलमों के हुक्मरां माँ से ज्यादा मेहरबान, तेरे दर पे खाली हाथ हूँ मैं, तू ही बस है सहारा, नूरे इलाही नूरे उला नूरे इलाही नूरे इलाही नूरे उला नूरे इलाही।